हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आपके लाया हूँ एक न्यू वीडियो, जिसमें कि मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप SBI का ATM कार्ड जो है घर बैठे कैसे अप्लाई कर सकते हैं और अपने घर पे डिलीवर करा सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, इसके लिए आपके पास नेट बैंकिंग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारे जो ऑनलाइन काम है SBI के वो नेट बैंकिंग के थ्रू होते हैं। विदाउट नेट बैंकिंग आप इसको नहीं कर सकते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आप जो है SBI में लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद आपका होम पेज कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो होम पेज पे आप देख सकते हैं कि ऊपर ही ऑप्शन आ रहा है ई सर्विसेज का। तो आप जो है ई सर्विसेज पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं आपके लेफ्ट हैंड साइड पे काफी ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। तो इनमें से एक ऑप्शन है ATM कार्ड सर्विसेज, तो इस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद कुछ ऑप्शन हमारे सामने आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिक्वेस्ट ATM/debit card का ऑप्शन आ रहा है, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे दो ऑप्शन है, इनमें से आपको एक चूज करना है ATM कार्ड अप्लाई करने के लिए। आप वन टाइम पासवर्ड के थ्रू भी ATM अप्लाई कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग के प्रोफाइल पासवर्ड के थ्रू भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे OTP सिलेक्ट कर लेता हूँ। OTP सेलेक्ट करते ही मेरे मोबाइल पे एक पिन आ जाएगा। पिन आने के बाद मैं इसको यहाँ पे सबमिट कर दूंगा। उसके बाद ऐसा कुछ पेज मेरे सामने खुल जाएगा। तो यहाँ पे मेरे को नेम ऑन कार्ड भरना है, जो कि मेरा बैंक में नेम है वो मेरे को भरना है। और यहाँ पे मेरे को एक कार्ड टाइप सेलेक्ट करना है, जो भी मुझे बैंक कार्ड दे रहा है। तो यहाँ पे मेरे को आप देख सकते हैं कि चार कार्ड के ऑप्शन है। तो आपके जो नेट बैंकिंग में है अलग अलग हो सकता है, क्योंकि बैंक ये जो है सबको अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करता है कस्टमर के हिसाब से। तो मैं यहाँ पे अपना एक कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। कार्ड सेलेक्ट करने के बाद मुझे एक्सेप्ट द टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करना है। इस पे टिक करने के बाद मुझे सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। देखिए, जैसे ही मैं सबमिट बटन पे क्लिक करूँगा, ये मुझे मेरी डिटेल्स शो कर देगा, जो कि मेरा अकाउंट नंबर है, नेम ऑन कार्ड और टाइप ऑफ कार्ड और रजिस्टर जो एड्रेस है इनके पास, वो सब शो कर देगा। और अब मुझे ये सब चेक करने के बाद सबमिट बटन में क्लिक कर देना है। जैसे मैं सबमिट बटन पर क्लिक करूंगा, न्यू पेज आपके सामने ऐसा खुल जाएगा, जिसमें कि लिखा हुआ है कि आपका कार्ड जो है सक्सेसफुल अप्लाई हो चुका है, ये विदिन 7 to 8 वर्किंग डेज में आपके घर में पहुंच जाएगा। अगर आपको वीडियो ये पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। और आगे भी ऐसी बहुत सारी यूजफुल वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।